हेलो एवरीवन टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू द चैप्टर नंबर टू ऑफ ज्योग्राफी दैट इज़ इनसाइड आवर अर्थ व्हाट इज देयर इनसाइड आवर अर्थ वे आर लिविंग ऑन द प्लैनेट व्हिच इज़ कॉल्ड अर्थ अर्थ के सरफेस के बारे में तो हमें मालूम है कि अर्थ का सरफेस हार्ड होता है जिस पर हम घर बनाते हैं हमारी कंट्री है हमारा शहर है वहाँ पर बट वट अबाउट द इंटीरियर क्या आपको मालूम है कि ये जो हार्ड सरफेस जिस पर हम चलते हैं इसके नीचे क्या है किन किन चीज़ों से मिलकर बना है ये सरफेस तो आइए ये चैप्टर रीड करते हैं और जानते हैं कि ये सरफेस हमारी जो अर्थ है वो कैसा कैसी है अंदर से और कौन कौन सी लेयर्स हैं जो अर्थ को बनाती हैं मेनली अगर मैं बात करूँ तो अर्थ जो है वो एक अनियन की तरह है एक लेयर के अंदर दूसरी लेयर है इसी तरह से अर्थ की भी एक लेयर के बाद दूसरी लेयर है अगर हम ध्यान से इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम में हमें पता चलेगा अर्थ का सबसे टॉप मोस्ट जो लेयर है वह है क्रस्ट उसके बाद ये जो येलो कलर में आप लेयर देख रहे हैं वो है मेंटल। एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज़ कोर कोर को हम दो पार्ट्स uh, में डिवाइड कर सकते हैं इनर कोर एंड आउटर कोर तो आइए क्रस्ट के बारे में पहले जानते हैं द अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल द लेयर्स इट इज़ अबाउट थर्टी फाइव किलोमीटर्स ऑन द कंटिनेंटल मासेज एंड ओनली फाइव किलोमीटर्स ऑन द ओशन फ्लोर्स अगर हम क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट जो है सबसे ऊपर वाली लेयर है अर्थ की और सबसे पतली लेयर कहा जा सकता है इसको अर्थ की जो कि 35 फाइव किलोमीटर्स हैं कॉन्टीनेंटल मासज़ पे मीन्स टू से कि अगर हम हार्ड uh, सर्फिसज की बात करें अगर हम कॉन्टीनेंट्स की बात करें तो कॉन्टीनेंट्स में इसकी जो डेप्थ है इसकी जो गहराई है सरफेस से लेकर नीचे तक 35 फाइव किलोमीटर्स है लेकिन अगर हम बात करें ओशन फ्लोर की अगर हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो समुद्र के तल से नीचे वाले तल से हम 5 किलोमीटर्स डीप जाते हैं तो वहाँ तक कौन सी लेयर है अर्थ क्रस्ट तो सबसे अपर मोस्ट लेयर हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ इज़ क्रस्ट द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासिसज आर सिलिका एंड एलुमिना हमारा जो कॉन्टिनेंटल मास है यानी हमारा जो अर्थ का सरफेस है वो मेलनी बना है सिलिका एंड एल्यूमिना से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ हमारा अर्थ का सरफेस दो सब्सटेंसेस से मिलकर बना है दैट आर सिलिका एंड एल्यूमिना इट इज़ द स्कार सियाल सियाल क्यों कहा गया है क्योंकि सिलिका का एस आई लिया गया है और एल्यूमिना का ए एल लिया गया है और इनको जोड़ के क्या बनाया है सियाल दैट मीन्स हम अपर लेयर को जो कॉन्टी कौन्ति, कॉन्टीनेंट्स पे जो लेयर है उसको हम सियाल बोलते हैं क्योंकि वो बनी है सिलिका एंड एलुमिना से अगर आगे हम बात करें तो ऑशनिक अब मैंने कहा था कि अर्थ के सरफेस से यानी कॉन्टीनेंटल से अंदर थर्टी फाइव किलोमीटर जाते हैं वोवली लेयर को तो हम बोलते हैं सियाल बट वट अबाउट द ओशन जो ओशन के अंदर ओशन सरफेस के अंदर जो जाकर जो लेयर है वो किस चीज़ से बनी है वो बनी है सिलिका एंड मैग्नीशियम से तो ओशन फ्लोर के अंदर वाली जो क्रस्ट लेयर है वो बनी है सिलिका और मैग्नीशियम से और इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं सीमा एस आई फॉर सिलिका एंड एम ए फॉर मैग्नीशियम जस्ट बिनी द अर्थ क्रस्ट इज़ अ मेंटल विच एक्सटेंडेड अप टू द डेप्थ ऑफ ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर बिलो द क्रस्ट जब क्रस्ट लेयर ख़त्म हो जाती है हमारी उसके बाद शुरू होती है दूसरी लेयर अर्थ की जिसका नाम है मेंटल मेंटल लेयर जो है वो काफ़ी थिक लेयर है और अगर हम क्रस्ट के बाद और अंदर अर्थ में जाते हैं ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स तक तो कहाँ कौन सी लेयर आएगी मेंटल लेयर तो फिर थर्ड इनर मोस्ट लेयर की बात करें अगर हम द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर विद द रेडियस ऑफ अबाउट थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स इसको हम थिकेस्ट लेयर ऑफ अर्थ भी बोल सकते हैं दो तरह की कोर uh, लेयर है ये सबसे अंदर वाली लेयर है और इसका रेडियस जो है वो कितना है थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर रेडियस क्यों बोला क्योंकि अर्थ सर्कुलर है दैट इज़ वाई इसका रेडियस जो है वो थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स है दोबारा से मैं एक बार रिपीट करवा दूँ कि फर्स्ट लेयर ऑफ़ द अर्थ है क्रस्ट और उसकी जो डेप्थ है वो कितनी है जो मोटाई है उसकी वो थर्टी फाइव हंड्रेड कॉन्टीनेंटल लेवल पर है और सी लेवल पर कितनी है फाइव किलोमीटर्स उसके बाद सेकेंड लेयर की अगर बात करें तो ट्वेंटी नाइन हंड्रेड किलोमीटर्स तक सेकेंड लेयर है और नेम है मैंटल थर्ड लेयर की अब हम बात कर रहे हैं थर्ड लेयर की जो टोटल उसकी रेडियस है वो कितनी है थर्टी फाइव हंड्रेड किलोमीटर्स और ये किस किस चीज़ से बनकर मिलकर बनी है निकल और आयरन से तो इसको नीफे भी बोला जाता है या नाइफ भी बोल सकते हैं हम इसको द सेंट्रल कोर हैज़ अ वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर क्योंकि ये सबसे नीचे वाली लेयर है तो क्वाइट ऑब्वियस कि इस लेयर में टेम्परेचर और प्रेशर दोनों ही चीज़ें ज़्यादा रहेंगी तो टेम्परेचर भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है उसके बाद हम बात करेंगे रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में अब ये रॉक्स और मिनरल्स होते क्या हैं द अर्थ क्रस्ट इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप्स ऑफ रॉक्स एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक सिंपल से शब्दों में अगर मैं समझाऊं तो अर्थ की जो क्रस्ट है क्रस्ट यानी टॉप मोस्ट लेयर सबसे ऊपर वाली लेयर जिस पर हम रहते हैं वो उसको बनाने में बहुत सारी रॉक्स मिलकर बनाती हैं अर्थ की क्रस्ट को और जिन मिनरल से वो अर्थ की क्रस्ट बनी है उसको हम कहते हैं रॉक दोबारा से ये डेफिनेशन है अर्थ की क्रस्ट uh, की सॉरी uh, रॉक की डेफिनेशन है एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट कोई भी नेचुरल मास मतलब भार एक टुकड़ा ऑफ मिनरल मैटर दैट मेक्स अप अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड अ रॉक जो हमारी अर्थ की क्रस्ट को बनने में हेल्प करता है उसको हम क्या कहते हैं रॉक रॉक कैन बी डिफरेंट कलर साइज एंड टेक्स्चर ये जो रॉक्स होती हैं हमारी अर्थ का जो सर्फेस होता है ये अलग अलग जगह पर अलग अलग होता है मीन्स टू से कि अगर मैं बात करूँ नॉर्थ इंडिया की यहाँ की मिट्टी का कलर अलग होगा अगर हम मिडल इंडिया में चले जाएं या हम साउथ में चले जाएं तो वहाँ पर जो टेक्सचर होगा सॉयल का या रॉक्स का वो अलग होगा तो रॉक्स कैन बी डिफरेंट इन साइज कलर एंड टेक्सचर तो देर आर थ्री मेजर टाइप्स ऑफ रॉक्स हम टाइप्स ऑफ रॉक्स भी पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में अब ये रॉक्स जिनसे अर्थ की क्रस्ट बनी है वो कितने तरह की होती हैं वो तीन तरह की होती है मेनली फर्स्ट है इग्नस रॉक सेकेंड है सेडिमेंट्री रॉक्स एंड थर्ड वन इज मेटामॉर्फिक रॉक जो फर्स्ट टाइप है दोबारा से बता रही हूँ इग्नियस रॉक सेडिमेंट्री रॉक एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स ये रॉक्स के टाइप्स हैं तीन तरह की रॉक्स हैं जिनसे मिलकर हमारी अर्थ की क्रस्ट बनी है तो आज के लिए इतना ही नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ज़रूर बताऊंगी व्हाट इज़ इग्नियस रॉक व्हाट इज़ सेडिमेंट्री रॉक्स एंड व्हाट इज़ मेटामॉर्फिक रॉक्स थैंक यू वेरी मच